गर्मी में भी आपको स्नो का नज़ारा दिखा दे। कैसा आर्किटेक्चर है यहाँ का, लोग कैसे रहते हैं? इस झील की गहराई आज तक कोई नहीं ना पाया है और यहाँ के स्थानीय निवासी मानते हैं कि इस झील के नीचे एक सोने का महल है जिसमें माँ बूढ़ी नागिन वास करती है, जो कि सभी नाग देवताओं की माँ है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम हैं बंजार वैली में और अभी हम जा रहे हैं जिब्बी की तरफ। इसको हम जिब्बी से चलेंगे जलोरी की तरफ भी। ये हम पहुंच चुके हैं सोचा, फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चढ़ रही है गाइस। बड़ी देर के बाद यहाँ पहुंचने के बाद सेकंड गियर अभी लगा है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे होटल्स हैं। वेलकम टू जलोरी पास। यहाँ पर मिलेगा जलोरी टेम्पल, छोटी सी पार्किंग और कुछ खाने की शॉप, और हमें जाना है यहाँ से लेफ्ट टूवर्ड्स सिजोलसर लेक। वैसे टूरिस्ट को गाड़ी यहाँ पर लाना अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे साथ दो लोकल गाइज हैं, इस वजह से हम गाड़ी यहाँ तक ला पा रहे हैं। और गुड़गांव के टूरिस्ट, साउथ के टूरिस्ट यहाँ पे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। देवदार के पेड़ों की बेल्ट से ऊपर खरशू के पेड़ों के बीच हम आ चुके हैं एंड वी आर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10,200 फीट अबव सी लेवल। तो फ्रेंड्स, ये जो रोड है हमारी 1 किलोमीटर आगे तक जा रही है, जहाँ पर कुछ बाइक्स भी पार्क्ड हैं, और यहीं से स्टार्ट हुआ हमारा ट्रैकिंग रूट। ये मॉडरेट लेवल का ट्रैक है, फर्स्ट टाइमर्स भी, बिगिनर्स ट्रैकर्स भी ये ट्रैक इजीली कर सकते हैं, सेम डे अप डाउन कर सकते हैं। सिर्फ 5 किलोमीटर्स का ट्रैक है वन साइड। तो फ्रेंड्स, जंगल में देखिए हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये बुरांच का पेड़, बुरांच के फूल जगह जगह यहाँ पे खिले हुए हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन आई है ये। अभी 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 भाई जी ने इस पेड़ से देखिए ये निकाली है। अभी हम आगे चल के इसकी चाय पियेंगे गाइस। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो चुका है, मौसम एकदम बदल चुका है, बारिश कभी भी पड़ सकती है, थोड़ी बहुत बारिश तो पड़ चुकी है। हम भागते हुए आए हैं लास्ट 100 मीटर। और ये देखिए गाइस कैसे तूफान आ रहा है यहाँ पे, एकदम से आपको दिखाते हैं, हवा देखिए कैसे आ रही है, बहुत ही ठंडा हो रखा है। एक तो गाइस कान एकदम सुन्न हो रखे हैं ठंड से, बारिश शुरू हो चुकी है इधर, कैसा मौसम हो रहा है। हमने वैसे तो सोचा था कि हम नॉन स्टॉप चलेंगे, लेकिन ये बारिश की वजह से हमें रुकना पड़ गया है। ये यहाँ का कैफ़े है, ये देखिए चाय रेडी हो रही है हमारे लिए, और जड़ी बूटियों वाली चाय। ये है सिड्डू, ये दिखने में मोमो जैसा होता है, ये सर्व हो रहे हैं। बहुत ही टेस्टी दिखने वाली चटनी दिख रही है, और साथ में देखिए देसी घी के बिना सिड्डू नहीं खाया जाता है। बाहर चल रही है बारिश, देखते हैं ये बारिश कितनी देर में रुकती है और कितनी देर में हम यहाँ से चल पाते हैं। इस जगह से बहुत से ट्रैकिंग रूट्स हैं, ये भाई बता रहे हैं कौन कौन से ट्रैकिंग रूट्स जो बहुत फेमस है आप जा सकते हैं। तो ब्रो, अभी हम यहाँ पे हैं सिजोलसर लेक पे, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है मेरे कैफे से सिजोलसर लेक का, और यहाँ से आप आगे जा सकते हो ट्रैकिंग, नोची टॉप की ट्रैकिंग है यहाँ से, जो कि 1.5 घंटे का ट्रैक है यहाँ से। और वहाँ से आगे आप जाना चाहते हो लामरी ट्रैक पे, तो पूरा 5 घंटे का ट्रैक है जी। और वहाँ से आप चाहो तो बंजार भी निकल सकते हो बाय गैगी नीचे, और चाहो तो आप वहाँ से नीचे शर्ची को भी निकल सकते हैं। और देखिए बारिश रुक चुकी है, आपको बाहर का नज़ारा दिखाएं कैसा हो रहा है। और अब हम चल चुके हैं आगे को, ये देखिए ऊपर केव है, नेचुरल केव है, यहाँ पे घर भी बने हैं। कैसा आर्किटेक्चर है यहाँ का, लोग कैसे रहते हैं। और ये डबल स्टोरी है, यहाँ पर नाइट स्टे के लिए एक टेंट 800 से 1500 रुपये तक मिलता है, खाने के लिए अलग से पे करना पड़ता है। फाइनली गाइस, हम पहुँच चुके हैं हिडन लेक पर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अभी हम आ गए हैं सिजोलसर लेक।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यहाँ से आगे जूते ले जाना मना है, पत्थर के ऊपर फिसलने का खतरा है, इसलिए आगे जाना मना है। सफाई का विशेष ध्यान रखें, कूड़ा कचरा झील में ना डालें, शोर शराबा ना करें। सो गाइस रिमेंबर दिस पॉइंट्स। और वो देखिए सामने मंदिर है, ये मंदिर और झील माँ बूढ़ी नागिन को समर्पित है, इसीलिए यह एक पवित्र स्थान है। इस झील की गहराई आज तक कोई नहीं ना पाया है और यहाँ के स्थानीय निवासी मानते हैं कि इस झील के नीचे एक सोने का महल है जिसमें माँ बूढ़ी नागिन वास करती है, जो कि शेषनाग, कमरूनाग, माहूनाग, घुंडानाग और सभी अन्य नाग देवताओं की माँ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, अब हम आपको करवा दें लेक के दर्शन पास से। और आप मानो या ना मानो पर यहाँ के स्थानीय लोग तो यही मानते हैं, ये बहुत पुरानी बात है, पास के सोजा गांव का एक ब्राह्मण यहाँ पे भ्रमण करते हुए इस झील में डूब गया था, जिनको माँ बूढ़ी नागिन ने बचाया और 3 वर्षों तक अपने सोने के महल में, जो कि इस झील की तलहटी में स्थित है, उसमें रहने का अवसर दिया। और 3 वर्षों बाद जब ब्राह्मण ने अपने घर जाने की इच्छा जताई तो उन्होंने उसे जाने दिया, लेकिन उससे यह वचन लिया कि यह सच वो किसी को नहीं बताएगा कि 3 वर्षों तक वो कहाँ रहा। जब ब्राह्मण अपने घर पहुँचा तो उनका परिवार एवं मित्र हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि वह मर चुका है और शायद वह कभी नहीं लौटेगा। सभी ने ब्राह्मण से बार बार पूछा कि वह पिछले 3 वर्ष कहाँ था। बार बार उनके अनुरोध करने पर ब्राह्मण ने यह सत्य उनको बता दिया और उसी क्षण ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। और ब्राह्मण का परिवार जब उसकी कही बातों का सत्य जानने के लिए झील की तरफ बढ़ा तो वह भी दुर्घटनाग्रस्त हुए और उनकी भी मृत्यु हो गई। इस ब्राह्मण परिवार का पुराना घर आज भी सोजा गाँव में मौजूद है। इस झील की एक और ख़ास बात है, यह हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहती है। ऐसा माना जाता है कि माँ बूढ़ी नागिन ने इसकी सफाई का जिम्मा आभी नाम के पक्षी को दिया है। आभी बर्ड इज़ बिलीव्ड टू बी एन एक्सटिंक्ट बर्ड। पेड़ की एक भी पत्ती या तिनका भी इस झील में गिरता है तो वे पक्षी इसे उठा के ले जाते हैं। और इससे जुड़े फैक्ट्स एंड न्यूज़ लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वैसे तो हमारा थोड़ी देर रुकने का प्लान था यहाँ पर, लेकिन आप हमारे पीछे देख सकते हो कैसे घने बादल हो रहे हैं। हम यह रात को रुकना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको थोड़ा और आगे ट्रैकिंग रूट पर लेकर चलते जहाँ कैंप बेस कैंप्स है कैंपिंग, वो आपको नेक्स्ट टाइम विजिट कराएंगे। और फाइनली इस लेक को हम बाय बाय करते हैं और हम चल रहे हैं वापसी की तरफ, और हम मिलेंगे बंजार में। मौसम ने हमें डरा दिया था गाइस, पहले हमें लग रहा था कि हम आज नहीं आ पाएंगे, बट फाइनली हम यहाँ पहुँच पाए, इतना बढ़िया व्यू हम एंजॉय कर पाए। और आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अभी हम ऑन दी वे एक वो स्ट्रेस दिखाएंगे जहाँ पर हमें स्नो दिखा था। मई का महीना आ चुका है ऑलमोस्ट और स्नो हमें रोड पे मिला। विंटर्स में यहाँ आएंगे तो 4-4, 5-5 फीट तक की स्नोफॉल होती है यहाँ पर। ये देखिए कितनी स्नो है यहाँ पर, गर्मी में भी आपको स्नो का नज़ारा दिखा दे। ये देखिए आगे ऐसे ऐसी लोकेशंस में स्नो अभी भी बची हुई है। जलोरी पास है तो यहाँ पे भी स्नो मिल रही है, आप रोहतांग पास जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको स्नो मिल सकती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और आपको मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।